डिजिटल लर्निंग चैनल में आज आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए रुचिरा भाग तीन के कक्षा आठ का आठवां पाठ संसार सागर से नायिका लेकर आई हूँ। प्रस्तुत पाठ में अनुपम मिश्र की कीर्ति आज भी खरे हैं तालाब के संसार सागर के नायक नामक अध्याय से लिया गया है। इसमें विलुप्त होते जा रहे पारंपरिक ज्ञान कौशल एवं शिल्प के धनी गजधर के संबंध में चर्चा की गई है। पानी के लिए मानव निर्मित तालाब बावड़ी जैसे निर्माणों को लेखक ने यहाँ संसार सागर के रूप में चित्रित किया है। तो आज हम इसकी संस्कृत की हिंदी करेंगे। के आसन ते अज्ञात नाम ने, के आसन ते अज्ञात नाम ने, वे ते मैंने वे अज्ञात नाम ने, अज्ञात नाम वाले के आसन कौन हैं, वे अज्ञात नाम वाले कौन हैं। शतशह सहस्त्र तड़ागा सहसेव शून्यात न प्रकटी भूता इमे एव तड़ागा अत्र संसार सागर इति। शतश मतलब सैकड़ो, सहस्त्रश शतश सहस्त्रस सैकड़ो सहस्त्र हजारो तड़ागा तालाब सहस एव अचानक शून्यात न प्रगटी भूता शून्य से न नहीं प्रगटी भूता प्रगटी मतलब भूता मतलब प्रकट हुए हैं। शतशय सैकड़ों सहस्त्र हजारों तड़ागा तालाब सहसे अचानक शून्यात शून्य से न नहीं प्रगटी भूता प्रकट हुए हैं। सैकड़ों हजारों तालाब अचानक शून्य से नहीं प्रकट हुए हैं। इमे एव तड़ागा अत्र संसार सागरा इति। इमे ये ही एव ये एव मैंने ही तड़ागा तालाब अत्र यहाँ संसार सागरा इति संसार सागर रूपी संसार रूपी सागर है। इमे यही तड़ा ये ही ये मतलब ही तड़ागा तालाब अत्र यही संसार सागरा इति संसार रूपी सागर है। एतेषाम आयोजन आयोजनस्य नेपथ्ये नृपमयी त्रिणाम एककम निर्मातृणाम च दशकम आसीत। अब इसको देखिए, एते एषाम मतलब एते एषाम आयोजनस्य इसकी योजना नेपथ्य के पीछे निरपित्रणाम मतलब बनवाने वालों निरपित्रणाम मतलब बनवाने वालों की एककम इकाई और निर्मातृणाम च दशकम आसीत। बनवाने वालों की दशकम दहाई थी मतलब एते शाम इसे एते शाम एते शाम इसे बनवाने जो जो ये तालाब वगैरह बनवाए जाते हैं तो इनकी योजना के पीछे बनवाने वालों की इकाई
और बनाने वालों की दहाई है, दहाई थी, समझे। मतलब कि जो ये तालाब वगैरह बनाए जाते हैं तो इनके जो बनाने में इतने व्यक्ति नहीं है जितने कि इनको बनवाने वालों, बनवाए जिन्होंने है उनकी संख्या ज़्यादा थी। एतत एकम दशकम च आहत्य शतकम सहस्त्रम वा रचत संग। मतलब ये एतत, ये एकम दशकम मतलब इकाई और दहाई, आहत्य शतकम, आहत्य मतलब आहत शतकम, आहत मतलब मिलकर, शतकम सैकड़ों, सहस्त्रम हजारों, वा रचत सम, वा रचत सम, ये इकाई और दहाई मिलकर सैकड़ों और हजारों को बनाते थे, रचत सम बनाते थे। परम परंतु विगतेषु द्विशतवेषु वर्षवेषु नूतन प्रद्युत्या समाजेन यति कंचित पठितम। परम परंतु विगतेषु पिछले द्विशत वर्षेषु, दो द्वि मतलब दो शत सौ वर्षेषु वर्षों में नूतन प्रद्युत्या मतलब नई पद्धति से समाजेन, नई पद्धति से समाज ने यत कंचित पठितम, नई पद्धति से समाज ने जो कुछ पढ़ा है, पठितेन तेन समाजेन एकम दशकम सहस्त्र कंच इत्येतानि शून्य एव परिवर्तितानि। पठितेन पढ़े हुए समाजेन, पठितेन पढ़े हुए समाजेन उस समाज के एकक दश एकम दशकम इकाई दहाई और सहस्त्र सहस्त्र कंच मतलब और हजार के इत्येतानि ये एक शून्य अपरिवर्तितानी में ही बदल गए, शून्य में ही बदल गए। मतलब परंतु परम विगतेषु द्विशतवेषु, परंतु यहाँ से लिखेंगे हम, परंतु पिछले दो वर्षों में नई पद्धति से समाज ने जो कुछ पढ़ा है, पढ़े हुए उस समाज से इकाई दहाई और हजार ये एक शून्य में ही बदल गए। अब आगे देखिए, अस्य नूतन समाजस्य मनसी इयमपि जिज्ञासा नैव उद्भूता यत अस्मात् पूर्वम् एतावत् तड़ागान के रचयन्ति सम। अस्य इस नूतन समाज से नए समाज के मन में, मनसी मन में इयमपि यह भी जिज्ञासा जानने की इच्छा नैव नहीं उद्भूता उत्पन्न हुई यद अस्मात् पूर्वम एतावत कि हमसे, अस्मात् पूर्वम हमसे पहले एतावत तड़ागान इन तालाबों की रचना या इन तालाबों को किसने बनाया था। ये कहता है, कभी कहता है कि आजकल का जो समाज है वो ये नहीं जानना चाहता कि ये तालाब किसने बनाया है, कैसे बनाया, कैसे बना, इनके पीछे की क्या कहानियाँ, वो नहीं जानना चाहता। आगे देखिए, एतादृशानि कार्याणि कर्तुम ज्ञानस्य यो नूतन प्रविधि विकसित तेन प्रविधान अपि पूर्वम
संपादितम एत कार्यम माप्यन्तु न केनापि प्रायतितम। एतादृशानि, एतादृशानि मतलब ऐसे कार्यों को, एतादृशानि कार्याणि ऐसे कार्यों को कर्तुम करने के लिए ज्ञानस्य ज्ञान की यो नूतन प्रविधि जो नई तकनीकी विकसित है विकसित हुई है, ऐसे कार्यों को करने के लिए जो ज्ञान की नई तकनीकी विकसित हुई है तेन प्रविधिना अपि पूर्वम संपाद्यतम एतत् कार्यम तेन उससे भी तेन उससे भी पहले प्रविधिन अपि प्रविधि अपि पूर्व उससे भी पहले संपादित संपादितम संपादित हुए एतत् कार्यम इन कार्यों को माप्यतुं मापने की न के नापि न किसी ने भी प्रायतितम प्रयास नहीं किया। क्या कहता है कवि, उससे भी पहले किसी ने भी इस तकनीक को मतलब ये कार्य कैसे हुआ इस इन कार्यों को मापने की किसी ने भी प्रयास नहीं किया। आगे देखिए, अद ये अज्ञात माने वृतन्ते, आज ये आज जो ये अज्ञात नाम वाले हैं, अज्ञात नाम ना मतलब अज्ञात नाम वाले हैं, पूरा ते बहु प्रथिता आसन, पहले ये बहु प्रथिता मतलब बहुत प्रसिद्ध थे, पूरा पहले ये बहुत प्रसिद्ध थे, अशेषे ही देशे तड़ागे निर्मयन्ते सम, अशेषे निश्चय, अशेषे मतलब निश्चय ही देशे पूरे देश में तड़ागे तालाब निर्मयन्ते सम बनाए जाते हैं, निश्चय ही पूरे देश में तालाब बनाए जाते थे सम बनाए जाते थे, निर्मातरो अपि अशेषे देशे निवसन्ति सम, तालाब बनाने वाले अशेष बनाने वाले भी पूरे देश में रहते थे, तालाब बनाने वाले भी पूरे देश में रहते थे। एक बार फिर देख लीजिए इसकी, एक बार फिर देख लेते हैं, के आसन ते अज्ञात नाम ने, ये अज्ञात नाम वाले कौन है, शतशः सहस्त्र तड़ागा सहसे शून्यात न प्रगटी भूता, सैकड़ों हजारों तालाब अचानक ही शून्य से नहीं प्रकट हुए हैं, इमे एव तड़ागा अत्र संसार सागर इति, ये ही तालाब यहाँ संसार रूपी सागर है, एतासाम आयोजनस्य नेपथ्ये निरपयेतृणानाम एककम निर्मित्रणाम च दशकम आसीत, एतेषाम इसकी योजना के पीछे बनवाने वालों की इकाई और बनाने वालों की दहाई थी, एतत् एकम दशकम च आहत शतकम सहस्त्रम वा रच्यत सम, एतत् ये इकाई और दहाई मिलकर सैकड़ों और हजारों को बनाते थे, परम विगतेषु द्विशत वर्षेषु नूतन प्रद्युत्या समाजेन यत किंचित पठितम, परंतु जो अब ये नई पिछले 200 वर्ष में नई पद्धति से समाज ने जो कुछ पढ़ा है जो कुछ भी उन्होंने पढ़ा है, पठितेन तेन समाजेन एकम दशकम सहस्त्र कंच इत्यतानी शून्य एव परिवर्ततानी,
इस नए पड़े हुए उस समाज से इकाई ढाई और हजारों ये एक शून्य में ही बदल गए हैं। अस्य नूतन समाजस्य मनसि इयमपि जिज्ञासा नैव अद्भुता यद् आत्मा पूर्वम् एतावत् तड़ागान के रचयन्ति सम। अस्य इस नए समाज में मन में यह भी जिज्ञासा नहीं उत्पन्न हुई कि हमसे पहले इन तालाबों को किसने बनाया था। एतादृशानि कार्याणि कर्तुं ज्ञानस्य यो नूतन प्रविधि विकसित तेन प्रविधिना अपि पूर्व संपादितम् एतत् कार्यं माप्यन्तु न केनापि प्रयतितम्। ऐसे कार्यों को करने के लिए ज्ञान की जो नई तकनीक विकसित हुई है उससे भी पहले संपादित हुए इन कार्यों को मापने को किसी ने भी प्रयास नहीं किया है। अद ये अज्ञात माने वर्तन्ते पुराते बहुप्रथिता आसन। आज जो अज्ञात नाम वाले हैं पहले वे बहुत प्रसिद्ध थे। अशेषे ही देशे तड़ागे निर्मियन्ते सम। निश्चय ही पूरे देश में तालाब बनाए जाते थे। निर्मितारो अपि अशेषे देशे निवसति सम। तालाब बनाने वाले भी पूरे देश में रहते थे। आगे देखिए, गजधर इति सुंदर शब्द तड़ागिनी निर्माण त्रिणाम सादरम समर्थाणाम। गजधर गजधर इति यह सुंदर सुंदर शब्द शब्द तड़ाग निर्माणाम तालाब बनाने वाले सादरम वालों को सादरम सादर समरणार्थम समरण के लिए है। मतलब जिन्होंने ये तालाब बनाए हैं उनके लिए एक सुंदर शब्द रखा गया था गजधर, जो उनको गजधर के नाम से जाना जाता था, याद किया जाता था। राजस्थानस्य केषुचित् भागेषु शब्दोऽहम् अद्यापि प्रचलित। राजस्थानस्य राजस्थान के केषुचित् कुछ भागों में भागेषु भागों में शब्दोऽहम् अयम् आज भी कुछ भागों में आज भी यह शब्द प्रचलित है। मतलब कि राजस्थान के कुछ भागों में आज भी यह नाम प्रचलित है। क गजधर है, गजधर कौन? यह गज परिणाम परिमाणम धारयति स गजधर है, जो गज परिमाण गज के माप को, गज पता है क्या होता है? गज होता है नापने वाला, एक मीटर होता है उसे कहते हैं गज। गज के माप को धारयति धारण करता है वह गजधर है, वह गजधर है जो गज के माप को धारण करता है वह गजधर है। गज परिमाणम एव माप कार्य उपयोज्यते। गज परिमाणम गज का माप ही एव ही माप कार्य उपयोजिते नापने के काम में उपयोग होता था। गज परिमाणम गज का माप ही मापन कार्य माप नापने के कार्यों में उपयोग होता था। समाजे त्रिहस्त परिमाण तिमी की लोह यष्टि हस्ते घृत्वा चलन्ते गजाधरा इदानीं शिल्प रूपेण नैव समृद्धिता सन्ति। समाजे
समाज में त्रिहस्त तीन हाथ के परिमाण त्रिहस्त परिमाणात्मी की तीन हाथ के बराबर लोहयष्टि लोहे की छड़ हस्ते को हाथ में घृतवा लेकर चलनते चलते हुए गजधरा गजधर इदानीम अब शिल्प रूपेण कारीगर के रूप में नैव समाद्रिता संति आदर नहीं नैव नहीं समाद्रिता आदर नहीं पाते हैं। समाज में तीन हाथ के बराबर लोहे की छड़ को हाथ में लेकर चलते हुए गजधर अब कारीगर के रूप में आदर नहीं पाते हैं। गजधर ये समाजस्य गंभीर्य मापियेत इतस्मिन् रूपे परिचित है। गजधर ये समाजस्य जो समाज गंभीर्य समाज की गंभीरता को मापियेत मापते को नापे इतस्मिन् इसी रूप में परिचित जाने जाते हैं। गजधर है जो समाज को गंभीरता को नाप समाज की गंभीरता को नापे इसी रूप में जाने जाते हैं। आगे देखिए इसको फिर कर लेते हैं एक बार। गजधर इति सुंदर शब्द तड़ाग निर्मित ताम सुंदरम समर्थन स्मरणार्थम गजधर यह सुंदर शब्द तालाब बनाने वालों को सादर स्मरण के लिए है। राजस्थानस्य केषुचित् भागेषु शब्दो अहम् अद्यापि प्रचलति राजस्थान के कुछ भागों में यह आज भी प्रचलित है। क गजधर गजधर कौन यह गज परिमाणम धारयति स गजधर जो गज के माप को धारण करता है वह गजधर है। गज परिमाणम एव माप कार्य उपयोज्यते गजधर गज का माप ही नापने के काम में उपयोग होता है। समाजे त्रिहस्त परिमाणी की लोहयष्टि हस्ते गृत्वा चलन्ते गजधर इदानीम शिल्प रूपेण नैव समाद्रिता सन्ति समाज में तीन हाथ के बराबर लोहे की छड़ को हाथ में लेकर चलते हुए गजधर अब कारीगर के रूप में आदर नहीं पाते हैं। गजधर यह समाजस्य गंभीर्य मापियेत इतस्मिन् रूपेण परिचिते गजधर जो समाज की गंभीरता को नापे इसी रूप में जाने जाते हैं। आगे देखिए गजधर वस्तुकारः आसन गजधर वस्तुकार थे। कामं ग्रामीण समाजो भवतु नगर समाजो वा तस्य नवनिर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधनस्य च दायित्वं गजधरा निभाल्यन्ति सम कामं चाहे ग्रामीण समाज हो या नगर समाजो शहर समाज वा तस्य उनके लिए नवनिर्माणस्य नए निर्माण की सुरक्षा प्रबंधस्य की ओर सुरक्षा की जिम्मेदारी गजधर निभाते थे। नगर नियोजनात लघु निर्माण पर्यंतम सर्वाणि कार्याणि एतस्यैव आदृतानि आसन नगर की योजना से लेकर छोटे छोटे निर्माण तक सभी कार्य इन पर ही आधारित थे। गजाधर वस्तुकारा वस्तुकार थे। कामं ग्रामीण समाजो भवतु नगर समाजो वा तस्य नवनिर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधस्य च दायित्वं गजाधर निभाल्यन्ति सम देखिए कामम
चाहे ग्रामीण समाजो ग्रामीण समाज हो भवतु हो नगर समाजो वा वा मतलब या नगर समाजो शहरी समाज चाहे ग्रामीण समाजो या शहरी समाज तस्य नवनिर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधस्य च दायित्वं गजाधरा निभाल्यन्ति सम तस्य उसके नवनिर्माणस्य नए निर्माण की और च और सुरक्षा प्रबंधस्य सुरक्षा की जिम्मेदारी दायित्वं जिम्मेदारी गजाधर निभाल्यन्ति सम निभाते थे। देखिए चाहे ग्रामीण समाज हो या शहरी समाज तस्य उसके नवनिर्माण से नए निर्माण की और सुरक्षा की जिम्मेदारी गजाधर निभाते थे। नगर नियोजनात लघु निर्माण पर्याप्तम सर्वाणी कार्याणि एतस्यैव आर्द्रतानि आसन। नगर नियोजनात नगर की योजना से लेकर लघु निर्माण पर्यंतन छोटे निर्माण तक सर्वाणी कार्याणि सभी कार्य एतस्यैव गजाधर एतस्यैव लगाया गजाधरों के लिए सभी कार्य इन पर एतस्यैव इन पर ही आर्द्रतानि आसन आधारित थे। नगर नियोजनात नगर की योजना से लेकर छोट लघु निर्माण पर्यंत छोटे निर्माण तक सर्वाणि कार्याणि सभी कार्य एतस्यैव इन पर ही आर्द्रतानि आधारित थे। ते योजनानां प्रस्तुवन्ति सम ते वे योजनानां योजना को प्रस्तुतवन्ति प्रस्तुत करते थे। वे योजना को प्रस्तुत करते थे। भविष्यम् आकालयन्ति सम भविष्यम् मतलब भविष्य भविष्यम् आकलयन्ति सम आने वाले खर्च का आकलयन्ति मतलब आंकलन करते थे। भवि वयम् भविष्य में भवि मतलब आने वाले वयम् मतलब खर्चों का आकलयन्ति अनुमान लगाते थे। आने वाले खर्चों का अनुमान लगाते थे। उपकरण भारान संग्रहणतीम सम उपकरण मतलब साधन सामग्री भारान सामग्री को संग्रहणते इकट्ठा करते थे। साधन सामग्री को इकट्ठा करते थे। प्रतिदानेते न तद याचन्ते सम यद दातु तेषां स्वामिने असमर्था अवेयु। प्रति मतलब बदले में दाने ते न तद बदले में वे पैसा नहीं याचते मांगते थे। बदले में वे पैसा नहीं मांगते थे। सम यद दातुं तेषां स्वामिने असमर्था भवेयु। जिन्हें देने में जिन्हें सम यद दातु जिन्हें देने में तेषां उनके स्वामिने मालिक असमर्थ हो। बदले में वे ऐसा कुछ नहीं मांगते थे जिनको देने में उनके मालिक असमर्थ हो। कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्यः सम्मानमपि प्रदीयते सम
कार्य समाप्तौ, कार्य के समाप्त होने पर वेतनानि, वेतन के अतिरिक्त च, अतिरिक्त गजे गजधरे भय, गजे गजधर सम्मानम पपि, गजधर को सम्मानम अपि, सम्मान भी, अपि मतलब भी, प्रदीयते दिया जाता था। कार्य के समाप्त होने पर वेतन के अतिरिक्त गजधर को सम्मान भी दिया जाता था। नमे एतादर्शे भय शिल्पे भय, ऐसे शिल्पकारों को नमस्कार है। एक बार फिर से देख लीजिए। गजाधर वस्तुकारा आसन, गजाधर वस्तुकार थे। कामम ग्रामीण समाजो भवतु नगर समाजो वा तस्य नवनिर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधस्य च दायित्वम गजाधर निभाल्यन्ति सम। का चाहे ग्रामीण समाज हो या शहरी समाज हो, उनके नए निर्माण की और सुरक्षा की जिम्मेदारी गजाधर निभाते थे। नगर नियोजनात् लघु निर्माण पर्यन्तं सर्वाणि कार्याणि एतेष्वेव अर्धनतानि आसन। नगर की योजना हो से लेकर छोटे निर्माण तक सभी कार्य इन पर ही आधारित थे। ते योजनानां प्रस्तुवन्ति सम, वे योजना को प्रस्तुत करते थे। भावी वयम आंकलियन्ति सम, आने वाले खर्च का अनुमान लगाते थे। उपकरण भारण संग्रहणति सम, साधन सामग्री को इकट्ठा करते थे। प्रतिदानेते न तद याचन्ते सम, यद दातुम तेषां स्वामिने असमर्था भवेयु। प्रतिदाने, बदले में वे पैसा नहीं मांगते थे जिन्हें देने में उनके मालिक असमर्थ हो। कार्य समाप्तो वेदनानि अतिरिच्य गजधरेभ्यः सम्मानम् अपि प्रदीयते सम, कार्य समाप्त होने पर वेतन के अतिरिक्त गजधर को सम्मान भी दिया जाता था। नमे एतादर्शे भय शिल्पे भय, ऐसे शिल्पकारों को नमस्कार है। अब ये अभ्यास, अब ये पाठ की हिंदी यहीं समाप्त होती है। अब अगली कक्षा के लिए मैं आपके लिए अभ्यास लेकर आऊँगी। तब तक के लिए आपका नगीन डिजिटल लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आप लाइक सब्सक्राइब करेंगे और तो अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। आपको किसी भी सब्जेक्ट में किसको लेकर कोई क्वेरी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। आपको इस सब्जेक्ट, इस पार्ट से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में डालिए। आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर 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 कीजिए। आप सब लाइव करेंगे तो हम आपके लिए और भी अच्छा करके देंगे। इसके लिए धन्यवाद।